नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। इस कार्यक्रम में हम आपको लगातार कृषि के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों और गतिविधियों की जानकारी देते हैं और साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां भी आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपकी आर्थिक वृद्धि में मददगार साबित हो। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से फल और सब्जियों का संरक्षण एवं प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। हमारे देश में फल और सब्जियों का उत्पादन दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे साल भर बाजार में फल और सब्जियों की मांग तो बनी ही रहती है, लेकिन अगर आप इन्हीं फल और सब्जियों को प्रसंस्कृत उत्पाद में तब्दील कर बाजार में बेचें तो और भी अच्छा आर्थिक लाभ आप उठा सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से फल और सब्जियों का संरक्षण और प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। छोटे फल सब्जी पदार्थों के उत्पादकों को अक्सर आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि इस विषय पर अधिकांश प्रोग्राम है जो अमूमन विदेशी फल उत्पादों के बारे में ही ज्यादा जानकारी देते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ का रूप बदलना, जैसे गेहूं से रोटी बनाना। खाद्य संरक्षण अर्थात खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक खाने लायक बनाए रखना, जैसे गेहूं के दाने को सुखाकर साल भर रखना या फल और सब्जियों को घर के फ्रिज में कुछ दिनों के लिए रखना। भारत जैसे देश में कृषि उत्पादों की बहुलता है और ये उपलब्धता पूरे वर्ष भर बनी रहती है। अनाज, मसाले, दाल जैसी कृषि जन्य उत्पादों को आज सुखाकर या न्यूनतम प्रसंस्करण द्वारा अगले मौसम तक के लिए संरक्षित कर लिया जाता है। आगे आने वाले समय में मॉल कल्चर का विस्तार, हमारी युवा पीढ़ी का पाश्चात्य सभ्यता से संपर्क, टीवी के फूड चैनल और विज्ञापन, मनोरंजन के साधन की उपलब्धता के कारण रसोई में कम समय दे पाना, छोटे परिवार, रेस्टोरेंट में खाना, बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल भेजने का टिफिन, महिलाओं का भी काम पर जाना इत्यादि कई कारण लोगों का रुझान प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब हमारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे इस समय आंवले और टमाटर, नींबू, संतरा और मिर्च जैसी फल और सब्जियों का मौसम है। इनका संरक्षण करके और इनका प्रसंस्करण करवा कर इनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस समय चूंकि फल एवं सब्जियां प्रचुर मात्रा में मार्केट में है, तो मेरी सलाह ये है कि अधिक से अधिक इन सब्जियों का संरक्षण कराकर इनका इनके उत्पाद बनाएं या उसी रूप में इनको संरक्षित रखें। जैसा कि इस समय मौसम आंवले का मौसम है, तो आंवले को जो बनने वाले उत्पाद हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले की कैंडी हो गया, आंवले का स्क्वैश हो गया, आंवले का लड्डू हो गया, आंवले की बर्फी, इस रूप में यदि आप उसको संरक्षित रख लेंगे तो जो इसका मौसम नहीं रहेगा तो आप आंवले का पूरा मजा ले सकते हैं और साथ में अपने खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इस वजह से डॉक्टर भी सलाह देता है कि हम लोगों को प्रतिदिन आंवले का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार इस समय टमाटर का भी सीजन चल रहा है। टमाटर के सीजन में इस समय जो उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे टमाटर का केचप, टमाटर की प्यूरी, टमाटर की चटनी, इस प्रकार के उत्पाद के रूप में यदि हम टमाटर को संरक्षित रख लें तो हम लोग पूरे वर्ष भर इस टमाटर का उत्पादों से टमाटर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इस समय संतरा, किन्नू और नींबू, यह काफ़ी मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं, जिनके दाम इस समय बहुत कम हैं। तो हम इनको या तो इनका रस निकाल कर संरक्षित रख सकते हैं। नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसका हम अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इस समय जो मौसम है मिर्च का है, मिर्च का हम चिली सॉस बना सकते हैं। चिली सॉस के साथ में मिर्च को ऐसे भी मोटी वाली जो लाल वाली मिर्च होती है उसका अचार बनाकर उसको भी संरक्षित रख सकते हैं।
जिसको हम लोग गोरखप्रिया भरवा मिर्च के नाम से जानते हैं। किसान भी अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए काफी स्कोप है। ये बहुत जरूरी है कि अब हमारी सोच अंतर्राष्ट्रीय हो। हमें अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए नए जमाने के साथ चलना होगा, तभी हम इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपना स्थान बनाने में सफल होंगे। इस युग में उत्पाद को सभी दृष्टिकोण से गुणवत्ता की परख में खरा उतरना पड़ेगा तथा इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के युग में खाद्य विपणनकर्ता को संतुष्ट करना होगा, जिससे अंततः ग्राहक खुश हो सके। जैसे आंवले से मुरब्बा या टमाटर से केचप बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और हम इसे बनाकर आसानी से साल भर के लिए संरक्षित कर सकते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए बहुत ही साधारण विधि है। पहले आंवले के फल को लेकर उसको गोद लेते हैं, गुदने की सहायता से गोद लेते हैं। इसके पश्चात उसको हम लोग खौलते हुए पानी में डालकर उसको ब्लांच कर लेते हैं। इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के मेथड हैं जिससे हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। एक तो हम लोग चीनी की चाशनी बनाकर उसमें डालकर उसको उबालते हैं, या फिर उसकी चीनी की परत लगाकर आंवले को रख देते हैं। 24 घंटे तक छोड़ने के पश्चात आंवले द्वारा पानी छोड़ने की वजह से चाशनी पतली हो जाती है। इसके पश्चात हम आंवले के फलों को निकाल कर चाशनी को पुनः गाढ़ा कर लेते हैं। यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करते हैं जब तक हमारी चाशनी पतली होना न बंद हो जाए। फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है तो ये पूरे साल भर तक सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि इसमें संरक्षित कार्य के रूप में शक्कर 70% के रूप रहती है, जिसकी वजह से ये संरक्षित बना रहता है। टमाटर केचप बनाने के लिए, या पहले हम आपको बताते हैं प्यूरी बनाना। प्यूरी बनाने के लिए हम लोग लाल पके हुए टमाटरों को चार भागों में काटकर एक पतीले में रखकर आँच में पकाते हैं और पकाते हैं। पकाने के बाद इसका जूस निकाल लेते हैं। इसके पश्चात हम जूस छानने वाली मशीन पल्पर से इसका साफ जूस प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें कि छिलका और बीजा नहीं होता है। इस जूस को हम लोग फिर पुनः उबालते हैं। जब इसकी गाढ़ापन थोड़ा सा आ जाता है तो हम लोग उसको आँच से उतार कर इसमें थोड़ी सी मात्रा में, लगभग 5 किलो में 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट डालकर इसको गरम गरम बोतलों में भर कर रख लेते हैं और पूरे सीजन भर ये हमारा सुरक्षित बना रहता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आस्था के सागर में हो जाए सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है खाद्य पदार्थ का रूप बदलना, तो वहीं खाद्य संरक्षण का अर्थ है खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खाने लायक बनाए रखना।
आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से फल और सब्जियों का आप संरक्षण और प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से जानकारी हासिल करें। आंवले से मुरब्बा बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे पानी में आंवले देर तक ना पकाए, इससे आंवलों के टूटने का डर रहता है। इसके साथ ही आंवले की चाशनी को अच्छी तरह पका लेना चाहिए, नहीं तो मुरब्बा जल्दी खराब हो सकता है। अगर चाशनी पतली हो तो आप इसे फिर से पका कर गाढ़ी कर सकते हैं। मुरब्बा बनाने वाले आंवलों को फोर्क की सहायता से अच्छी तरह गोद लेना चाहिए, इससे मुरब्बा नरम बनेगा और चाशनी भी जल्दी ही उसके भीतर चली जाएगी। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि मुरब्बा के लिए आंवले पके हुए होने चाहिए। मुरब्बा बनाने से पहले आंवलों को पानी में दो दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर आंवलों को पानी से निकाल कर इन्हें कांटे से गोद लिया जाता है। इसके बाद गोदे हुए आंवले फिटकरी के पानी में डालकर दो दिन तक भीगने देना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद आंवलों को उबालना होता है। किसी स्टील के बर्तन में चीनी और आधा लीटर पानी डालकर चाशनी बनाने के बाद आंवलों को चाशनी में डालकर पकाना होता है। जब आंवले अच्छी तरह गल जाए और चाशनी शहद की तरह गाढ़ी हो जाए, मुरब्बा को ठंडा होने दीजिए। इस तरह कम से कम लागत में मुरब्बा बनकर तैयार हो जाता है। उपभोक्ताओं तक उत्पाद को साफ एवं उचित रूप में पहुंचाने के लिए तुड़ाई के बाद धुलाई करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को स्ट्रॉबेरी जैसे नाजुक फलों के लिए नहीं अपनाया जाता है। धोने से फल एवं सब्जियों के ऊपर लगे धूल, मिट्टी एवं स्प्रे व डस्ट के सूक्ष्म कण भी साफ हो जाते हैं, जिससे उत्पादों की नैसर्गिक सुंदरता निखर जाती है। धुलाई करने से जड़ एवं गांठ वाली फसलों की धूल मिट्टी साफ हो जाती है। इन सब्जियों को धोने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और यहाँ से शुरू होती है इनके अचार बनाने से लेकर दूसरी तमाम तरह की प्रोसेस। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में हाइजीन का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। इसमें स्वच्छता का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थों को बनाते समय हमें किसी भी अवस्था के दौरान लोहे और लोहे के सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टील या एल्युमिनियम या लकड़ी के सामानों का इस्तेमाल करते हैं और उसी से हम लोग पदार्थ संरक्षित करते समय उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसंस्करण और उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। यदि कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाए तथा कुछ साधारण क्रियाएं की जाए तो इस नष्ट होने वाले हिस्से का एक बड़ा भाग बचाया जा सकता है। इससे न केवल किसान को आर्थिक फायदा होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। जो मुरब्बा वो बाजार से 200 रुपए किलो प्राप्त करते हैं, अगर उसकी हम कास्टिंग आपको बता दें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मुरब्बा आप खुद बहुत ही कम लागत में बना सकते हैं। अगर मुरब्बे की अगर 1 किलो की 5 किलो की लागत यदि आपको बताई जाए तो अगर आप तैयार करना चाहें तो 5 किलो आंवला ले लें, 7 किलो चीनी ले लें और अगर 5 किलो आंवले का दाम अगर हम वो करते हैं 10 रुपये किलो अगर आंवला मिल रहा है तो वो 50 रुपये का हुआ, 7 किलो चीनी 40 रुपये के हिसाब से 7×28 280 रुपये की हुई। इसके अलावा इसमें जो साइट्रिक एसिड डालते हैं उसको मिलाकर हम 10 रुपये और जोड़ लेते हैं। इसके पश्चात यदि हम ये पूरा अगर जोड़ लें तो हमको एक आंवले के मुरब्बे को बनाने में 330 रुपये की लागत आती है, जिससे कि हमको 10 किलो मुरब्बा प्राप्त होता है। 10 किलो मुरब्बे की अगर मार्केट वैल्यू देखें तो ये 2000 रुपये का बैठता है। अब आप सोच लीजिए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किसी और व्यवसाय में नहीं हो सकता है। मौसमी फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इन्हें ताज़ा खाकर स्वास्थ्य को बेहतर तो बनाया ही जा सकता है, साथ ही साथ इन्हें संरक्षित कर इनका प्रसंस्करण भी किया जा सकता है, जिससे इनका ज्यादा समय तक उपयोग किया जा सके। सीजन चल रहा है गाजर, गोभी, शलजम, मटर का, इसका हम लोग मिश्रित अचार बनाकर इसको भी संरक्षित रख सकते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर 5 किलो अगर सब्जियां हैं, कटी हुई सब्जियां हैं, तो इसमें हम लोग 600 ग्राम नमक
और 150 ग्राम अगर राई डालकर जो भी मसाला आपको पसंद आता है उसको आप डालें तो ये आपका अचार बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इसको जब तक इसका दोबारा सीजन नहीं आएगा तब तक इसका आप सेवन कर सकते हैं। विभागों द्वारा समय समय पर प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिनमें शामिल होकर युवा और देश के किसान प्रसंस्करण कैसे किया जाता है इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने घर पर ही कम से कम लागत में अच्छा और साफ सुथरे उत्पाद तैयार कर सकते हैं। बाजार व्यवस्था के लिए आपको हम बता दें कि अगर जैसे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें विद्यार्थियों को खाद्य संरक्षण फल एवं सब्जी संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया जाता है, प्रयोगात्मक ढंग से करके सिखाया भी जाता है। इस मौसम में मिर्च, टमाटर, किन्नू, संतरे, नींबू और मुरब्बा आदि के कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हम नींबू, संतरा और किन्नू का स्क्वैश भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप घर में ही इसको तैयार किया जा सकता है। इसमें जितने किलो फल होता है उतनी हम चीनी लेते हैं, जैसे अगर 1 किलो नींबू है तो 1 किलो हम चीनी लेते हैं। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि चीनी अगर 1 किलो है तो उसमें 500 ग्राम पानी डालकर उसकी एक खोल आने तक पकाते हैं जिससे वो चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इस चाशनी को ठंडा कर लेते हैं, नींबू के रस को निकाल लेते हैं, जब चाशनी ठंडी हो जाए तो नींबू के रस को मिला देते हैं। इसके पश्चात इसमें संरक्षित कारक के रूप में पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइड डाल देते हैं। ये 1 किलो फल के लिए लगभग 1 ग्राम हमको डाल देते हैं जिससे कि ये हमारा स्क्वैश संरक्षित हो जाता है। इसके पश्चात जब कोई भी मेहमान आता है तो इस स्क्वैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 भाग स्क्वैश लेते हैं और 3 भाग पानी लेकर उसको नींबू का शरबत पिला सकते हैं। इसके पश्चात इसी प्रकार हम ऑरेंज स्क्वैश भी बना सकते हैं, इसी प्रकार हम किन्नो स्क्वैश बना सकते हैं। अदरक के बारे में आपको बता दें, अदरक स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। यदि हम अदरक का जूस निकालकर उसी को उसी रूप में संरक्षित रख लें तो ये भी हम सुबह उठने के बाद इसको गर्म गुनगुने पानी से अगर पिएं तो हमारी जितने भी गले की खराश है या टॉन्सिल है, इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है उससे हम बच के रह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। ऋतुओं की भिन्नताओं के आधार पर हमारे देश में कई तरह के फल और सब्जियां उगाए जा सकते हैं। इसके बाद इनका संरक्षण और प्रसंस्करण भी किया जा सकता है। बस जरूरत है उन्नत तकनीकों की तरफ साहस का एक कदम बढ़ाने की। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से आप फलों और सब्जियों का संरक्षण और प्रसंस्करण कर सकते हैं। आशा करते हैं तमाम जानकारियों का आप सभी जरूर लाभ उठाएंगे। आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान के अंक में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप नजर डालिए कृषि सलाह पर। नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है। देश के किसान की मेहनत की बदौलत आज भारत ने खाद्यान्न सुरक्षा अर्जित की है। देश का किसान आज अलग अलग तरह की फसलें पैदा कर अपनी आजीविका अर्जित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में विकसित हो रही नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उपज में वृद्धि की जा सकती है, परंतु उत्पादित खाद्यान्न के प्रक्रियाकरण के द्वारा भी उसका मूल्य वर्धन किया जा सकता है जो किसान की आमदनी में वृद्धि के लिए सहायक होगा। कंदमूल फसल के अंतर्गत एक है जिमीकंद अथवा सुरन। कुछ इलाकों में इसे ओल के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक उपज क्षमता, बाजार की मांग तथा आर्थिक लाभ के कारण सुरन की खेती की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सुरन के चालू इस्तेमाल के साथ साथ प्रक्रियाकरण के द्वारा किस प्रकार उससे अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर
इसका मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन की जा सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा जो जिमीकंद है, सूरन है, प्रथमतः उसको लेना है, उसको अच्छे पानी से उसको धोना है, और अच्छे पानी से धोने के बाद उस सूरन को हमें नाइफ से थोड़ा सा ऊपर का उसका छिलका निकालना है। वो छिलका निकालने के बाद जो अंदर का जो है, अंदर का जो हम पल्प माना जाता है, उसको नाइफ से उसके छिलके निकाल के हमको पानी में डालना है। इसका एक दिक्कत है, इसका एक समस्या है कि जब हम उसका ऊपर का छिलका निकालते हैं तो उसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाता है। इसलिए हमको तुरंत ही जब उसका हम छिलका निकालते हैं तुरंत ही उसको पानी में आपको रखना है कुछ समय तक, या 10 या 15 मिनट आप पानी में रखो। वो होने के बाद उसको वो जो पानी हम पानी में हम सुखाया है वो पानी थोड़ा सा बाजू में करना है और अच्छे पानी से उसको धोना है। वो धोने के बाद हम उस छिलके को आप धूप में रखा सकते हैं, घरेलू तौर पे आप कर रहे हैं तो हम धूप में भी रखा सकते हैं, और नहीं तो हम अपना ओवन है, ओवन में भी हम 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 या 6 घंटे रख सकते हैं। और 5-6 घंटे होने के बाद उसको देखना है, अगर वो अच्छा सूखता है तो उसे निकालना है, अगर अच्छा थोड़ा सा उसमें पानी रहता है तो फिर उसको 1-2 घंटे 25 डिग्री सेल्सियस पर रख के उसको फिर निकाल के अगर अच्छा सूख जाता है तो उसको पीसना है और उसका पाउडर बनाना है। ये जो उसका आटा है, पाउडर या आटा जो हम उसका जिमीकंद से बनाते हैं, उस आटे से हम बहुत सारे विविध खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। अब क्या क्या बना सकते हैं? अगर हम उसका उस आटे का उपयोग हम हमारे रोटी बनाने में कर सकते हैं, और उसका जो अगर आगे के तौर पर हम जाते हैं तो उसी से हम बहुत सारे स्नैक्स टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अगर एक माना जाता है कि अगर हम उसका छिलका निकालते हैं, वो छिलका जब सुखाते हैं वही सुखाया हुआ छिलका हम फ्राई करके चिप्स के रूप में ही उसका यूज़ कर सकते हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों को वो चिप्स के रूप में दे सकते हैं कि यानी से उसका स्वास्थ्य के बारे में वो अच्छा रहेगा। तो देखा आपने किस प्रकार साधारण सा दिखने वाला सूरन प्रक्रियाकरण के बाद अधिक समय तक संरक्षित हो पाने के साथ साथ अधिक आमदनी का जरिया बन सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है परंतु रेशेदार तथा खनिज युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।